सभी भारतीयों, बिहार के आपकी निवासी हैं और दुख और तकलीफों को आप देख रहे हैं, सबके दुख और तकलीफ को दूर करने के लिए विश्वास दिलाने के लिए भी ये महारैली हो रही है। याद रखिए, ये महारैली इसकी साथ है, इंडिया के साथ है, गठबंधन महागठबंधन के साथ है। कुछ लोगों के इधर न करने से बिहार विकसित नहीं होने वाला है। कंटालियों और बीमारियों से मुश्किल दिल को गिराने के लिए करोड़ों लोग कतारबद्ध होकर के लोकतंत्र और संविधान को बचाएंगे। आप लोग से आगे जन के बीच विश्वास इस तरह से हम लोग प्रतिज्ञाबद्ध होकर के आगे बढ़ा रहे हैं। यही शर्त के साथ आप सबको धन्यवाद। अध्यक्ष जी, सीट शेयरिंग पर सर कुछ हो रहा है क्या? सीट शेयरिंग वाले पे मामला फंसा हुआ इंडिया गठबंधन जो कहा जा रहा है, कब? यही तो चर्चा का विषय है। इंडिया को 40 सीट देंगे, यही हम सब प्रतिज्ञाबद्ध है। और बिहार की जनता भी इसके साथ। आप नाम नहीं बोल रहे हैं, ताकि 3 मार्च को महागठबंधन ने और महागठबंधन की सभी पार्टियों ने जन विश्वास रैली का, महारैली का आयोजन पटना के गांधी मैदान में किया है। और उस जन विश्वास रैली को संबोधित करने के लिए कांग्रेस पार्टी के सर्वमान्य नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, राष्ट्रीय जनता दल के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, बिहार के सर्वमान्य नेता और लीडर ऑफ अपोजिशन आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, CPIML के राष्ट्रीय नेता आदरणीय दीपांकर भट्टाचार्य जी, CPM के राष्ट्रीय नेता सीताराम येचुरी जी और CPI के राष्ट्रीय नेता कॉमरेड डी राजा जी उस रैली को संबोधित करेंगे। सभी पार्टियों ने एक मुश्त फैसला किया है कि रैली को न केवल गांधी मैदान बल्कि इस तरह का जोश खरोश तेजस्वी प्रसाद यादव जी के इस जन विश्वास रैली में जिलों में मिल रहा है, उसमें हम लोग उम्मीद करते हैं कि 10 लाख से ज़्यादा लोग उस दिन पटना में उपस्थित हों। कहने का मतलब यह है कि गांधी मैदान में तो उतनी बड़ी रैली नहीं हो सकती है, पूरा पटना उस दिन पट जाएगा लोगों से। इस तरह से नीतीश कुमार जी इस महागठबंधन को छोड़ के गए हैं। अभी हम लोगों ने देखा है राहुल गांधी जी की भी यात्रा में, चाहे वो उधर के 4 जिले हों या और फिर अभी औरंगाबाद, सासाराम, भभुआ, कैमूर के इलाके में भी भारी जन समर्थन उनके यात्रा को भी मिला। वहाँ भी तेजस्वी प्रसाद यादव जी आदरणीय जगता बाबू के क्षेत्र में कम समय में और पूरा मैदान जिस तरह से खचाखच भरा था, तो हम लोग आपस में यही बात कर रहे थे कि कैसे लोगों की ठहराने की व्यवस्था हो। सभी पार्टियों की जिम्मेवारी है और हम लोग इस व्यवस्था में लगे हैं। आज
इसी के लिए जिस तरह का वातावरण बना है उसमें 17 साल नीतीश जी का भारतीय जनता पार्टी के साथ और 17 महीने का जो कार्यकाल महागठबंधन के दिनों में रहा, जिसमें नौकरियां मिली सभी विभागों से और हम लोगों ने वायदा किया है देश के किसानों को कि अगर हम लोगों की सरकार बनती है तो हम लोग न्यूनतम समर्थन मूल्य को MSP को कानून का दर्जा दिलाने का काम करेंगे। जिस तरह से किसानों के साथ अत्याचार हो रहा भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार में, वो किसी से छिपा नहीं। छात्र नौजवान जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी, जिस तरह से महंगाई सातवें आसमान पर, सबको लेकर लोगों में गुस्सा है। इसलिए महागठबंधन ने ये फैसला लिया है कि उस जनाक्रोश को हम लोगों को पटना उस दिन पहुँचाना है ताकि हम लोगों के नेताओं की बात लोग सुन सकें और बिहार में एक नया नेतृत्व सामने आए और उस नेतृत्व को लेकर हम लोग भारतीय जनता पार्टी को आगे लोकसभा चुनाव में हराए। यही बात करने के लिए आप सभी तमाम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के मित्रों, महागठबंधन के राज्य के सभी घटक दल के नेतागण, आज हम लोगों का महागठबंधन का देखभाल का जन विश्वास महारैली 3 मार्च को गांधी मैदान में होगा। हम 10 लाख के ऊपर लोग, महागठबंधन के लोग, वो गांधी मैदान में उतारेंगे। आज इस संकल्प के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया है, आपके बीच है। आप जानते हैं हमारे कई कल से ही हमारे विपक्ष के नेता, महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव जग विश्वास यात्रा मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी शिवहर और आज पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज में है और लाखों की भीड़ इकट्ठी हो रही है। हम सब एक साथ इस यात्रा का समर्थन करते हुए आम बिहार के लोगों से अपील कर रहे हैं कि 3 मार्च पटना चलो। और इसीलिए आज हम पेट मालका में आपके बीच आए हैं, हम लोगों का भाषण गांधी मैदान में। एकत्रित हैं ये आप लोगों के मार्फत जो है जनता के बीच संदेश पहुंचाने के लिए कि 3 तारीख को जो गठबंधन की महारैली है इसको अभूतपूर्व बनाया जाए। समय कम है मगर वो रैली जो है वो उनका गुस्सा और प्रस्फुटित होगा। नीतीश कुमार और ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो नापाक गठबंधन है और जिस तरह से उन्होंने किया, मतलब उसके विरोध में बिहार की जनता है, बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है और एक तरह से वो ये रैली मील का पत्थर। नीतीश कुमार ने सदन में कहा है, पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो,
क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।